हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी जो है हमारे कटहल की दाल। तो चलो शुरू करते हैं। तो दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है, आप देख पा रहे होंगे, कटहल जो कि हमने बारीकी से काटा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चने का दाल। आप हमेशा मैं रेफ़र करूँगी कि चने का दाल ही इस्तेमाल करें। फिर यहाँ पर हमने लिया है नमक, 2 स्पून नमक। उसके बाद यहाँ पर हमने धनिया पत्ता लिया है। फिर यहाँ पर हमने दाल को छेकने के लिए लहसुन और मिर्ची भी ली है। और यहाँ पर टमाटर को हमने बारीकी से काटा है, 4 टुकड़े करके हमने काटा हुआ है। इस तरीके से आप करवा सकते हैं। दाल को छोंकने के लिए हमने 10 से 15 पीस कड़ी पत्ता, 1 लाल मिर्ची, सरसों और 1 स्पून हल्दी लिया है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने कुकर में ऑलरेडी कटहल ले लिया है पानी के साथ, और यहाँ पर मैंने चना दाल जो भिगो के रखा था उसको मैंने कुकर में डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, फिर 1 स्पून हल्दी डालना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे टमाटर और 2 मिर्ची डालनी है। अब हमें कुकर को अच्छे से बंद करके उसको 2 सीटी में लो फ्लेम में हमें गैस पे चढ़ा देना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि दाल हमारा तैयार है। देखिए इस तरीके से, यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कटहल जो है हमारा बहुत अच्छे से उबल गया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से उबाल देना है, जिससे हमारा दाल का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम दाल को छोंकने के लिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने 10 से 15 पीस कड़ी पत्ता, सरसों, 2 मिर्ची, 2 सूखी मिर्ची और 2 हरी मिर्ची देख पा रहे होंगे। अब हमें इसे दाल को छोंकना है। मैंने यहाँ पर लहसुन भी लिया है। इसको पूरी तरह से मत बारीकी कीजिएगा, जैसे मैंने की इस तरीके से कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता लिया है। अब दाल को छोंकने के लिए मैंने पैन पे देख पा रहे होंगे 2 चम्मच तेल डाले, सरसों डाल देना है, फिर 2 हरी मिर्ची और 2 लाल मिर्ची। उसके ऊपर मैंने डाला कड़ी पत्ता। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हमने जो लहसुन रखे थे उसको डाल देना है। हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है। देख पा रहेंगे कि ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें दाल को छोंकने के लिए, देखिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, देख पा रहे होंगे स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है, नो डाउट। अभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो हमने इसे बॉल पे निकाल दिया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी अपने फैमिली के साथ इसे ट्राई कीजिए, और क्योंकि ये बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।